अब आगे बढ़ेंगे, बात कर लेंगे पीएम मोदी के बालाघाट दौरे की। बालाघाट से मिलेगी शक्ति, ये सवाल उठ रहा है क्योंकि नवरात्रि के पहले दिन पीएम मोदी एमपी के बालाघाट आ रहे हैं। महिलाओं के लिए पीएम बड़ा चुनावी वादा भी कर सकते हैं। बालाघाट इसलिए भी खास है क्योंकि सीट पर पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर्स हैं। बीजेपी ने यहां से महिला प्रत्याशी दिया है और भारती पारधी को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में अब यही सवाल है कि क्या बीजेपी को बालाघाट से शक्ति मिलेगी। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं पीएम का बालाघाट दौरा। जिस तरीके से जबलपुर में उन्होंने दौरा किया, सभा को संबोधित किया, वैसा ही बालाघाट में होगा। और सीट पर सबसे ज़्यादा महिला वोटर्स हैं, पुरुषों की तुलना में महिला वोटर्स सबसे ज़्यादा हैं। नवरात्र का पहला दिन है और एक और संयोग, एक और खास बात सीट की कि यहाँ पर महिला उम्मीदवार ही बीजेपी ने उतारा है चुनावी मैदान में। शक्ति की भक्ति का पहला दिन, महिला प्रत्याशी, महिला वोटर ज़्यादा, पीएम मोदी का दौरा। और ये भी है, बात ये भी है, कही जा रही है कि पीएम मोदी महिलाओं को लेकर बड़ा वादा कर सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं। 48 घंटे में पीएम मोदी एक बार फिर एमपी के दौरे पर आ रहे हैं और सरजमी भी महाकौशल की, आदिवासी इलाका है बालाघाट। इस सीट की सबसे खास बात यह है कि यहां पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर्स हैं। यानी नवरात्र के पहले दिन पीएम मोदी का बालाघाट दौरा, सवाल यह है कि क्या बालाघाट से बीजेपी को मिलेगी शक्ति। देखिए रिपोर्ट। एक दशक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल यानी कि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मध्य प्रदेश के बालाघाट आ रहे हैं। पीएम मोदी बालाघाट में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री यहां बालाघाट संसदीय क्षेत्र के साथ ही मंडला संसदीय क्षेत्र के लिए बीजेपी प्रत्याशी के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि नवरात्रि के पहले दिन हो रही चुनावी सभा में पीएम मोदी महिलाओं को लेकर कुछ बड़ा चुनावी वादा कर सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी गयी है। पीएम की सुरक्षा में करीब 3000 जवानों की तैनाती की गयी है। बीजेपी ने यहाँ से भारती पारधी को उतारा है और पीएम की सभा भी नवरात्रि के पहले दिन है। दिलचस्प बात ये भी है कि बालाघाट मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी सीट है जहां महिला वोटर पुरुष वोटर्स के मुकाबले ज्यादा है। लिहाजा सवाल यही है कि पीएम मोदी को क्या बालाघाट से मिलेगी शक्ति। तो क्या तैयारियां हैं, कितना खास है पीएम मोदी का बालाघाट दौरा, उसे जानने के लिए सीधे रुख कर देते हैं। सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, एक बार फिर से महाकौशल के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी बालाघाट आ रहे हैं, कई सारे सहयोग हैं, नवरात्र का पहला दिन है, महिला प्रत्याशी हैं और पुरुष की तुलना में महिला वोटर्स ज़्यादा। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। पिछले 48 घंटों में प्रधानमंत्री दूसरी बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं, महाकौशल के दौरे पर आ रहे हैं। जबलपुर में हमने मोदी का मौन मैजिक देखा था, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ, उसमें जनता उमड़ी। उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर के साथ साथ अब बालाघाट में जनसभा को संबोधित करेंगे, यानी कि वहाँ पर वो बोलेंगे। और जब वो बोलते हैं तो निश्चित तौर पर विपक्ष निशाने पर रहता है और विपक्ष के उठाए गए सवालों का ही जवाब वो अपने मंच से अपने तरीके से देते हैं, जिसके बाद फिर अलग ही अंदाज निकल कर सामने आता है। तो अपने प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, देखने के लिए बालाघाट में भी बड़ी संख्या में जो है जनता पहुँच रही है। बीजेपी ने एक बड़ा इवेंट इसे बनाया है। बीजेपी जिस तरीके से अपने इवेंट को बड़ा बनाने की रणनीति के लिए ही जानी जाती है, तो निश्चित तौर पर और हम कह सकते हैं इसमें देखिए बहुत कम वक्त बचा है मतदान को लेकर पहले चरण में। और पहले चरण में जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, बालाघाट लोकसभा सीट है जहां पर मतदान होगा शहडोल और सीधी के साथ। तो ऐसे में ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये दौरा न केवल बालाघाट के लिए बल्कि मंडला क्षेत्र के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। और चूंकि आदिवासी बेल्ट है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, महिला कैंडिडेट वहां पर खड़ी है और महिला देश पूरे महाकौशल के लिए ये दौरा काफी अहम है। बात करें महिला वोटर्स की तो पुरुषों की तुलना में महिला वोटर्स ज्यादा हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में ज्यादातर महिलाओं का ही, नारी शक्ति का ही आज जिक्र करने वाले हैं।
निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए बहुत सारे संयोग आज एक साथ जुड़ रहे हैं। चैत्र नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है, माँ शैलपुत्री की आज पूजन विधि होगी। इसके साथ साथ बालाघाट में जो महिला मतदाता है उनकी संख्या ज़्यादा है, जो प्रत्याशी है वो भी महिलाएं ही हैं। और सबसे खास बात यह है जो बीजेपी अपना जो उम्मीदवार उतारती है वो बिल्कुल अचंभित करने वाला उम्मीदवार उतारती है। बालाघाट क्षेत्र में भी यही हुआ, महिला पार्षद मतलब वो जो भारतीय पारधी हैं वो एक पार्षद थी और पार्षद से सीधा लोकसभा की टिकट उन्हें दी गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक संदेश ये भी जनता के बीच जाता है बीजेपी की तरफ से कि किस तरीके से वो आम कार्यकर्ता को भी एक बड़ा पद दे सकती है। और यही वजह है कि आज जो प्रधानमंत्री जब वहाँ पर बोलेंगे तो महिलाओं को साधते हुए महिलाओं के लिए कोई बड़ी बात भी बोल सकते हैं और अपने भाषण में कोई बड़ी घोषणा भी यहाँ पर कर सकते हैं, बड़ा कोई वादा कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर बालाघाट में जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो उनको सुनने के लिए भी बड़ी जनता उमड़ी है और उम्मीद लगाए बैठी कि आज बालाघाट को क्या वादे मिल सकते हैं। ठीक है दुर्गेश, बहुत शुक्रिया दुर्गेश आपका जुड़ने के लिए।